शहर निज़ामाबाद में कल निसफ शब से हो रही बारिश के सबब शहर के कई इलाके झीलों में तब्दील हो गए। खुसूसन बोधन रोड पर महबूब सुबानी छिल्लेता फिश फार्म की सड़क नहर में तब्दील हो गई, जिससे राहगीरों को गुजरने में काफ़ी दुश्वारियां भी हो रही है और ट्रैफिक जाम का मसला दरपेश है। फ्रूट मार्केट रिलायंस पेट्रोल पम्प की सड़क का तो हमेशा का ही मसला है, जहां पर मुख्तसर सी बारिश के सबब सड़क नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से कई मरतबा सड़क हादसे भी रूनुमा हुए हैं। अवामी नुमाइंदे बल्दी अमले मुतल्लिका अहदेदारों से मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगियाँ भी रायगा गई। अवामी नुमाइंदे बल्दी अमले कुछ वक्फे के लिए भी यहाँ का दौरा करना गवारा नहीं करते। खुसूसन मुकामी रुकने असम्बली ने भी अभी तक इन इलाकों का जायजा नहीं लिया। हुकुमरान जमात के मेम्बरान रुकने असम्बली की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। मिस्टर डेवलपमेंट का खिताब पाने वाले मुकामी रुकने असम्बली कम अज़ कम नशेबी इलाकों का दौरा करे। सलम बस्तियों में मकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से अवाम को शब गुजारी का मसला है, या फिर अवामी नुमाइंदे इस खसूस में मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए इन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाले। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने भी मुतल्लिका अहदेदारों अवामी नुमाइंदों ज़िले इंतज़ामिया बिलखसूस मुकामी रुकन असम्बली से मुतालबा किया कि वो इन इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लें और इन मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन इकदाम करें। जो भी है उनके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। निज़ामाबाद की आवाम की तकलीफ, थोड़ा सा बारिश गिरने से, उस बारिश से कितनी तकलीफ हो रही। गाड़ियां डूब जा रहे, मकाना डूब जा रहे, मकानों में पानी आ रहा और इसका पुरसान हाल कोई भी नहीं है यहाँ पर। निज़ामाबाद शहर के आवाम की तकलीफ को मैं आपके ज़रिए ज़िला कलेक्टर साहब को, बल्दिया के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को, साथ ही साथ होदेदारों को, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका असली बुनियाद कहाँ है, इसको कैसा करना चाहिए सोचिए। ये एक दिन की बारिश, एक घंटे की बारिश में ही ये हालत है। अगर निज़ामाबाद शहर में भारी बारिश अगर हुई तो निज़ामाबाद के आवाम की हालत कैसी होगी, ये ज़रा सोचिए आप लोग। और मैं जनाब एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब से ये अर्जी करता हूँ कि आप ये आकर एमएलए साहब इस एरिए का दौरा कीजिए, यहाँ के आवाम की तकलीफ देखिए, यहाँ का हिसाब किताब देखिए क्या हो रहा सो है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके ज़रिए आप होदेदारों को क्या हिदायत करते, उसके बाद उसको कैसा करते आप सोचिए। लेकिन हमारी तकलीफ़ को समझिए, इस तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ पर जो भी मौजूद अब इस वक्त होदेदार है वहाँ पर पहुँच कर उसका आप जायज़ा लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।